एम्पावरमेंट फाउंडेशन नू में गए 5 सालों से अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहा है. तो ये एक एनजीओ है जो एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट या फिर फाइनेंस, काफ़ी सारे सेक्टर्स में काम करता है. तो नू में इनका सॉर्ट ऑफ एक सबसे बड़ा इनका प्रोजेक्ट नू में ही चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज इन्होंने एक साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करा था टाई नामक गांव में. वहाँ पे स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे, उन्होंने सबने अपने जो आइडियाज़ थे, जो प्रोजेक्ट्स थे, मॉडल्स थे साइंस के, उनको वहाँ पे उनकी प्रदर्शनी लगाई. मेरे साथ जिले के और भी अन्य अधिकारीगण वहाँ पे मौजूद रहे और सभी ने उनका उत्साहवर्धन किया. मैंने बच्चों को ये मैसेज दिया कि देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है. हमारे जीवन को विदाउट एनी डाउट साइंस ने बहुत ईजी कर दिया है, लेकिन उसका काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ पे पड़ सकता है या पड़ता है जाने अनजाने. फॉर एग्जांपल, जैसे मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल रैम्पेंट आजकल हो रहा है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, एनी सुपरविजन, जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है. तो इन चीज़ों पे हमने बात करी. साथ ही में वहाँ पर सरपंच और गांव के अनेक और वृद्ध लोग भी वहाँ पे मौजूद रहे. मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट करी कि गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस करें वो अपनी ओर से, और जितनी ज़्यादा हो सके लड़कियों को आगे पढ़ने का मौका दें. तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक साइंस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज उन्होंने करा आज, और ये दूसरी बार हो रहा है इस साल में. पहली बार फरवरी के महीने में भी सिमिलर साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया था DEF की तरफ से. मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि मेवात के लोग आगे जाके, बच्चे हमारे जो हैं वो बड़े साइंटिस्ट बने, वो इसरो और नासा में हमें रिप्रेजेंट करें इंडिया को, और एक साइंटिफिक टेम्पर को कल्टिवेट करें अपनी सोच में.